मार्वल आमतौर पर अपनी मूवीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखता है, बट फिर भी इसने फेज 4 में सुखाई लगाया, यानी कि अपने फेज 4 में मार्वल ने कई सारे प्लॉट होल्स दिए, जिनमें से आज हम टॉप 10 प्लॉट होल्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं एक्सप्लेन। नंबर 10, व्हाई द अवेंजर्स डिडंट फाइंड इटर्निटी इन अवेंजर्स एंड गेम। तो देखो, टाइका वाटिटी की थोर लव एंड थंडर में हमें इंट्रोड्यूस कराया गया मार्वल की कॉस्मिक बीइंग इटर्निटी से, जिसके पास सबसे पहले पहुंचने वाला कोई भी शख्स अपनी मनचाही विश को पूरा मांग सकता है। इवन इस विश में वो किसी भी डेड कैरेक्टर को भी दोबारा जिंदा करवा सकता है। और मूवी से ही हमें पता चलता है कि थोर और वेलकरी दोनों को ही इटर्निटी की लोकेशन और उसके बारे में पता था, बट इटर्निटी के बारे में पता होते हुए भी इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के स्नैप के बाद इन दोनों ने अवेंजर्स को ये इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नंबर 9, व्हाई ओडिन नेवर थॉट टू यूज इटर्निटी। तो देखो, थोर को अगर इटर्निटी के बारे में पता था तो संभव है कि ये सब उसने अपने पिता ओडिन से सीखा होगा। और अगर ओडिन को इटर्निटी के बारे में पता था तो उसने कोई भी विश इटर्निटी से क्यों नहीं मांगी? वो चाहता तो 9 रियम्स को बिना वॉर के अपनी विश मांगकर इटर्निटी से ले सकता था। नंबर 8, द टीवी हैड नथिंग टू डू विद स्पाइडरमैन नो वे होम। तो देखो, जब लोकी टेसरेक्ट के साथ टाइम ट्रेवल करके एक अलग टाइमलाइन को क्रिएट कर देता है तो टीवी उसे पकड़ लेती, बट जब नो वे होम में समय के साथ फेरबदल की जाती है, जहां पर स्पाइडरमैन और उसके विलन्स के 3-3 वर्जन वहां पर आ जाते हैं, तो टीवी वहां पर क्यों नहीं दिखाई देती? शायद इसका आंसर हमें एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये एक प्लॉट होल ही है। नंबर 7, 2014 गमोरा इज स्टिल अलाइव, जबकि अवेंजर्स एंड गेम वाली गमोरा तो मारी गई थी। तो देखो, जब 2014 से थेनोस, गमोरा और नेबुला और उसकी पूरी आर्मी टाइम ट्रेवल करके 2023 में आ जाती है, तो नेबुला को तो उसकी वेरिएंट ही मार देती है, थेनोस और उसकी आर्मी को आयरन मैन स्नैप करके इरेज कर देता है। बट यहाँ पर आयरन मैन के स्नैप में गमोरा क्यों इरेज नहीं होती? वो आखिर सरवाइव कैसे कर जाती? नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मेड मिस्टीरियो प्लॉट होल। तो देखो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा पता चलता है कि एमसीयू की मेन अर्थ का नाम अर्थ 616 है, बट मिस्टीरियो को तो ये पहले से ही पता था और इसीलिए वो लोगों को बताता था कि ये अर्थ 616 है और वो एक टाइम ट्रेवलर है जो कि 833 से आया है। भले ही उसकी टाइम ट्रेवल बात झूठी थी, बट फिर भी उसे अपनी मेन अर्थ के बारे में कैसे पता था? नंबर 5, वल्चर डिडंट रिटर्न टू द एमसीयू आफ्टर नो वे होम। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद दो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी सोनी और एमसीयू एक हो गए, जिसमें हमें दिखाया गया कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के गलत स्पेल पढ़ने के बाद सोनी के सारे स्पाइडरमैन एमसीयू में आ जाते हैं, बट मूवी खत्म होते होते उन सभी को अपने यूनिवर्स में वापस भी भेज दिया जाता है, यानी कि एंड में वो वापस अलग अलग हो जाते हैं। नंबर 4, मोबियस डिडंट रिकॉग्नाइज लोकी इन फेज 4। लोकी सीजन 1 में ही हू रिमेंस की डेथ के बाद लोकी को वापस भेज दिया जाता है, जहां पर मोबियस और पूरी टीवीए में से कोई भी उसे पहचान नहीं रहा। मैं भी इसका रीजन हमें लोकी सीजन 2 में देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी एक प्लॉट होल है। नंबर 3, एवरीवन फॉरगॉटन पीटर पार्कर नॉट स्पाइडरमैन। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरी वाइपिंग स्पेल के द्वारा पीटर पार्कर को तो भुला दिया गया, बट स्पाइडरमैन को नहीं, क्योंकि नो वे होम में जे जोना जोन्स अभी भी अपने न्यूज ब्रॉडकास्ट में स्पाइडरमैन को ही मिस्टीरियो के डेथ का रीजन मानता था, जबकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और इसके अलावा एंटमैन वॉस्प इन द क्वांटम मेनिया में बताया गया कि स्पाइडरमैन एक रेस्पेक्टेड सुपर हीरो है जिसका हाथ मिस्टीरियो के डेथ में नहीं, और इस तरीके से ये एक प्लॉट होल है। नंबर 2, मून नाइट कंफ्यूजेस एमसीयू इन्फिनिटी स्टोन्स ओरिजिन्स। मून नाइट में दिखाया गया एनिड 9 देवताओं का समूह है, जिसमें से 5 ने दुनिया का निर्माण किया है, बट एनिड क्रिएशन थ्योरी में हमें इन्फिनिटी स्टोन्स की एक अलग ही ओरिजिन दिखाई जाती है। इसके अलावा एनिड क्रिएशन थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी दोनों एक समय पर नहीं हो सकती, जो कि इसे मार्वल के फेज 4 का सबसे बड़ा प्लॉट होल में से एक बनाती है। एंड फाइनली नंबर 1, गॉड्स डेथ आर इनकंसिस्टेंट। तो देखो, 2011 में सबसे पहले थोर के द्वारा मार्वल ने नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड को एक एलियन बीइंग के रूप में प्रेजेंट किया था, जहां पर हमें थोर लव एंड थंडर में पता चला कि गॉड्स की जब भी डेथ होती है तो वो डेथ के बाद कुछ गोल्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हमने ओडिन के साथ भी होते हुए देखा था। बट प्लॉट होल की बात करें तो मार्वल में कुछ ऐसे भी गॉड्स थे जिनकी डेथ होने के बाद वो गोल्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुए, जैसे कि लोकी, हेमडाल और थोर के कई सारे वेरिएंट जो हमें व्हाट इफ सीरीज में दिखाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।